What is a common difference that you all have found between television content and OTT? एक एक्टर के नजरिए से तो वो एक्टिंग ही है, बट वेन यू सी द कॉन्टेंट ऑफ कोर्स देर इज मच मोर फ्रीडम वेन इट कम्स टू एन OTT प्लेटफॉर्म बिकॉज द सेंसरशिप इज नॉट देयर जो टेलीविजन पर होता है. टेलीविजन के पैरामीटर्स अलग हैं. कभी कभी टेलीविजन में अलग अलग जानवर बन जाते हैं लोग. सी आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई परस्पेक्टिव. The things that I like to see and not like to see. Your first thought जब आपने इस script के बारे में, इस concept के बारे में सुना? ऐसा होता है ना कि आप में एक कुछ है, पर आप उसे explore ही नहीं कर पा रहे हो, दुनिया को नहीं दिखा पा रहे हो. So इतने समय के बाद इस तरह का एक character सामने आया है. Real life में आप लोग ने कभी जासूसी की है? एक बार की थी. रोज करते हो? मैंने किसी को पता नहीं. Hi, मैं हूँ इजाज़ खान. Hi, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया. और आप हमें देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा विद उर्मिन. वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा गाइस. माय नेम इज उर्मिन. भाई, स्पाई यूनिवर्स इज डेफिनेटली द फ्लेवर नॉट जस्ट इन फिल्म्स बट आल्सो ऑन OTT. आज एक ऐसी नए शो की बात होने वाली है एंड आई हैव द वंडरफुल पीपल फ्रॉम द शो. दिव्यांका, हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्यूटली वंडरफुल. बहुत बढ़िया चल रहा है. दैट इज सो नाइस टू सी यू. एंड एजाज़ खान, आई एम अ बिग फैन. आई वॉन्ट टेल यू दिस. ऐसे लगा नहीं है कि पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे, बिकॉज वी हैव सीन यू सो मच ऑन OTT इन फिल्म्स एंड एवरी कैरेक्टर दैट यू प्ले इज जस्ट फिनोमिनल. थैंक यू सो मच. यू आर वेरी काइंड. थैंक यू. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये जो फोर्स हो या फिर कोई भी तरीके का एक एक्शन ड्रामा पसंद है? इज दिस अ जॉनर दैट यू रियली एंजॉय? अभी तक ऐसे रोल्स में मुझे कास्ट किया गया है बिकॉज बहुत लोगों का मानना है कि मेरी पर्सनैलिटी बहुत इंटेंस है या आई कम अक्रॉस एज अथॉरिटेटिव समटाइम्स. आई डोंट डू इट ऑन पर्पज बट दैट इज जस्ट बीन द वे आई एम. हैविंग सेड दैट, इस शो में उस वजह से मुझे कास्ट नहीं किया गया या उस वजह से मैंने इस शो को हाँ नहीं बोला. इस शो में रवि वर्मा जो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ उसमें बहुत खूबसूरत ह्यूमैनिटी है जो मुझे लगा कि लाइफ के इस दौर में मुझे इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. मैं कुछ चीज़ों की वजह से बिटर हो गया था, गुस्सा हो गया था, ना शुक्रानापन आ गया था मुझ में. और आई फील आई एम गॉड्स चाइल्ड. आई फील खुदा मुझे सही वक्त पे सही चीज़ें दे के या तो रेप्रिमांड करता है या तो रास्ता दिखाता है. तो यहाँ वही हुआ है. रेप्रिमांड भी किया गया और रास्ता भी दिखाया गया. जो चीज़ें रवि वर्मा के साथ होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें वैसे मेरी ज़ाती ज़िंदगी में भी हुई हैं. और जैसे मैं शो में वो चीज़ें सॉल्व करते जाता हूँ, इट्स अ रियल कथारसिस फॉर मी इन माई रियल लाइफ ऑल्सो. इट्स फिनोमिनल. बहुत खूबसूरत किरदार है रवि वर्मा का, जो बीइंग इन अ स्पेस ऑफ अथॉरिटी अपने अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं करता. बीइंग अ टीम लीडर ही ट्राइज टू बी ऑन द सेम लेवल एंड एज अ फ्रेंड टू एवरी वन. दैट इज द यूनिकनेस अबाउट दिस कैरेक्टर. अब तक जो भी रोल्स मैंने प्ले किए हैं उससे इस तरह ही अलग है एंड इस तरह ही मुझे और नई चीजें एक्सप्लोर करने का मौका दे रहा है. दैट्स ग्रेट. स्पीकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट रोल्स, दिव्यांका, क्या ये एक कॉन्शियस एफर्ट आपका रहता है दैट आपको देखकर द गर्ल नेक्स्ट डोर ये टैग जो है वो आप हमेशा हटाना चाहती हैं? वी हैव सीन यू ऑलवेज यू नो ट्राई वन प्लस समथिंग. सो इज दैट समथिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू इन अ स्क्रिप्ट? बिकॉज आई हैव डन दैट इनफ नाउ. या आप जब एक तरह का किरदार निभा लेते हैं फिर एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिंग. मुझे एक ही जैसा किरदार करने में मज़ा नहीं आता. तो मैं कोशिश करती हूँ एंड येस इट इज़ अ कॉन्शियस एफर्ट कि मैं दोबारा पिछला जैसा कुछ ना करूँ. और इसके लिए काफ़ी बार कई अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मना भी करना पड़ता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एट टाइम्स टू रिफ्यूज गुड मनी ऑल्सो. बट हाँ, शुक्र है कि
ऐसे कुछ लोग हैं जो मुझे इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इमेजिन कर पाते हैं. एंड थैंक्स टू देम, थैंक्स टू सचिन जी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने मुझे इमेजिन किया अदृश्यम में कि मैं पार्वती प्ले कर पाऊंगी. एंड आई डोंट वांट टू लेट हिम डाउन, आई डोंट वांट टू लेट माय टीम डाउन, एंड हेंस आई एम गिविंग इट माय बेस्ट. सो आपने अपने आप को इमेजिन किया इन दिस रोल, डिड यू, बहुत जल्दी आया. What was your first thought जब आपने इस स्क्रिप्ट के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना? मैं काफी समय से दुनिया से नाराज थी, दुनिया मतलब यूनिवर्स से. आज हम नाराज थी कि काफी बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है, डीप बातें हो रही हैं आज. जी बताइए आप. ये जो नाराजगी थी ना, ये ऐसी वाली थी कि क्यों नहीं आता भाई, ऐसा वाला कैरेक्टर क्यों नहीं आता. क्योंकि ये एक लेयर था मेरे अंदर का जो कि काफ़ी समय से दबा हुआ था. मैं एक ज़माने में जब एनसीसी में होती थी, आर्मी में जाना चाहती थी, एंड बहुत डिलिजेंटली उसी के लिए परसू कर रही थी. और फिर जो मुझे किरदार मिले, मैं एक्टिंग में आ गई बाय चांस, और जब आई तो कभी किरदार उससे संबंधित मिला ही नहीं. तो ऐसा होता ना कि आप में एक कुछ है पर आप उसे एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हो, दुनिया को नहीं दिखा पा रहे हो. सो इतने समय के बाद इस तरह का एक कैरेक्टर सामने आया है. अच्छा, रियल लाइफ में आप लोग ने कभी जासूसी की है? एक बार की थी. रोज करते हो? मैंने किसी को पता नहीं. आपका इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट है, स्टॉकर अकाउंट? नहीं नहीं, एक हिडन नेम वाला. इंस्टाग्राम की जरूरत नहीं है. तो आप किसकी जासूसी करते हैं आज? क्यों बताऊं? कम ऑन यार, जासूस लोग बताते थोड़ी ना है. ये तो खूबसूरती है जासूसी. दे दीजिए, आप किसकी जासूसी करते हैं? नहीं यार, ये सब हेडलाइन कैरी करोगे, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे दूसरों की जिंदगी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्यों, अगर फर्क पड़ने लगा, हम तो एक्टर हैं, हम अपने आप को परोसते हैं कि भाई हमें जज करो. तो वी हैव टू हैव अ थिक स्किन. तो हाँ, कुछ लोग हैं जिनके ओपिनियन मुझे मैटर करते हैं, लेकिन मैं किसी की जासूसी ऐसे नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स लाइव्स. या यू डोंट सीम लाइक समवन हु इज इंटरेस्टेड इन गॉसिप? नो, आई ट्राई टू स्टे अवे, क्योंकि द पीपल हु गॉसिप विद यू, as soon as you leave the space, we'll start gossiping about you. Right. हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हीरो डेफिनेटली होता है, हिडन ही सही, जो हमें हर रोज़ मोटिवेट करते हैं, जिनकी वजह से शायद हम हर रोज़ एक और नया दिन जीने के लिए कोशिश करते हैं. Who are those heroes in your life, Divyanka? Will it be too much if I say it's just my mirror? Oh. रोज सुबह उठकर आईना देखना होता है, तो काम ऐसा करें कि खुद पे गर्व हो. बट सेल्फ लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एवर, दैट्स अमेजिंग. एजाज, व्हाट अबाउट यू? आई मीन, इन सिंपल टर्म्स, इट्स माय फादर, बट आई ऑलरेडी एलैबोरेटेड ऑन दैट अ लिटिल व्हाइल अर्लियर. मुझे बिकॉज ऑफ माय टीन एंग्स्ट बहुत गलत फहमियाँ थी जो ठीक हो गई, एंड माय फादर सरप्राइज्ड मी विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट at a time when I thought the world looked away from me. Apart from that, मुझे लगता है कि अब life में मेरे थोड़ा बहुत wisdom आ गया और ठहराव आ गया है कि मैं जानता हूँ कि हर एक इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, या हीरो बनने की कोशिश इन द सेंस के वो ही इज़ ट्राइंग टू बी हिज बेस्ट वर्जन पॉसिबल गिवन द सर्कमस्टांसेस. तो एज एन एक्टर हमारा काम होता है कि हम ऑब्जर्व करें, तो सबसे सीखने मिलता है, सबसे, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, उम्र भी, ओहदे में भी, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. और आई फाइंड माई सेल्फ सर्चिंग दीज थिंग्स इन अदर पीपल एंड गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू गाइस. आर ऑल्सो इंस्पिरेशंस फॉर सो मेनी ऑफ योर फैंस. सो व्हेन यू ऑल चूज योर रोल्स, क्या आप उस चीज़ को भी सोचते हैं कि have you all said no to a role because you all yes. feel that maybe your fans might not be happy about it? Yes, I don't endorse betting apps. Okay. High five I for that. I don't endorse any intoxicating substance. I have said no to a lot of big money for that, and it's not that I'm proud or main aise nahi karta, it's just not my personality. Because specifically kuch bacche ya kuch impressionable youth aise hote hain jo ye sochte hain ki agar wo sahi karta hai ya wo aisa kar sakta hai to main kyun nahi kar sakta. It's not right. Divyanka, I feel it's not right. I mean, I have nothing against people who do it. कमाल की बात है, हम इत्तेफाक रखते हैं इस बात पे कि मैं भी बेटिंग एप्स को बहुत ही कॉन्शियसली नहीं प्रमोट करती हूँ. आप
आपको पता ही है आजकल कितना ज़्यादा वोग चल रहा है बेटिंग ऐप्स का, एंड आए दिन बड़े से बड़े ऑफर्स आ रहे होते हैं. बट इफ इट्स अ नो, इट्स अ नो, बिकॉज पीपल लाइक वी आर कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग पीपल, इन्फ्लुएंसर्स फॉर अ रीज़न. क्योंकि लोग हमारी तरह की ज़िंदगी कहीं ना कहीं अडेप्ट करना चाहते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस सच में होते हैं. एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने एक सीन किया था मोहब्बतें में जिसमें मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी. मैं ड्राइविंग सीट में नहीं थी, पैसेंजर सीट पे थी. बट अ मदर ऑफ सम अननोन चाइल्ड, शी कॉल्ड मी अप, शी फाउंड माई नंबर फ्रॉम समवेयर, एंड शी सेड, मैम आपको पता है मेरा बेटा अब सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसने कहा कि इशिमा नहीं लगाती. एंड दैट रियली हिट मी हार्ड कि इतना असर होता है हम जो करते हैं उस बात का. एंड वो दिन था, आज का दिन है, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करती. तो फिर बेटिंग ऐप को प्रमोट करना, जो मुझे लगता है ये लोगों का खुद का डिसीजन होना चाहिए, इसलिए नहीं वो करें कि मैंने बोला कि अच्छा है इसीलिए करो. करेक्ट. एंड वो फिर फेयरनेस क्रीम्स, वो भी मैं प्रमोट नहीं करती. दैट्स ग्रेट. जब हम बात करते हैं अबाउट द टेलीविजन इंडस्ट्री, यू ऑल हैव हैड योर शेयर एंड यू ऑल हैव डन सच अमेजिंग वर्क एज वेल. क्या आपको लगता है कि सिंस द ओटीटी टाइम्स हैव कम, एक डिस्पैरिटी नज़र आ रही है इन द कंटेंट जो टेलीविजन पर हम देखते हैं, अब ओटीटी पर खुलकर एक अलग अंदाज में दिखाया जाता है. वॉट इज अ कॉमन डिफरेंस दैट यू ऑल हैव फाउंड बिटवीन टेलीविजन कॉन्टेंट एंड ओटीटी? एक एक्टर के नज़रिए से तो वो एक्टिंग ही है. But when you see the content, of course there is much more freedom when it comes to an OTT platform because the censorship is not there. जो television पर होता है, television के parameters अलग हैं because every week you are coming on air 4 or 5 times or something. Having said that, हमारा show भी क्या बोलते हैं उसे? Appointment viewing on Appointment Sony Live. Appointment viewing है Sony Live पर 8 बजे आ रहा है 11 तारीख से Thursday Friday. It is almost similar, right? But the content is a little more filtered. Yeah. I won't say it is a better or not better or something, but it makes you feel a little more sensible, I guess. National Geographic nahi lagta kabhi, pun intended. OTT zyada sensible lagta hai, aap ye keh rahe ho. Yeah. I'm just clarifying. Kabhi television mein alag alag janwar ban jate hain log. Divyanka, you want to add to this? हाँ. यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, इसलिए नेचुरल ज्योग्राफी अच्छा लगा मुझे, मजा है, मैंने इमेजिन किया. यार सी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, द थिंग्स आई लाइक टू सी एंड नॉट लाइक टू सी. उसकी भी बहुत अच्छी ऑडियंस है एंड वो चल रहा है बिकॉज ऑडियंस है, बट आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव. डिफरेंस ये है, पैरामीटर्स अलग है जी, फ्रीडम ज्यादा है. आई थिंक इस पर भी कर्टेलमेंट आ जाएगा थोड़ा बहुत इवेंचुअली, लेकिन वो फ्रीडम को मुझे नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इन अ ब्रॉडर वे अब्यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि इन रियल लाइफ हम कुछ लव्स वैसे यूज़ करते हैं. तो अगर आपको रियल लाइफ दिखाना है, आप सेंसर करके नहीं दिखा सकते सब कुछ. लेकिन टेलीविजन आप फैमिली के साथ बैठ के देखते हो, यू कैन नॉट मेक एनीवन अनकंफर्टेबल. और क्या है कि टेलीविजन शोज जो बनते हैं उनके पास टाइम का बहुत कॉन्स्ट्रेंट रहता है, तो इसीलिए आमतौर पे कंटेंट में बनाते समय बहुत सारी लिबर्टी ले ली जाती है, जिसके लिए लोग कई बार मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे हीरोइन मेकअप करके सो गई या साड़ी में सो गई जी. लेकिन वो पता नहीं किन कंडीशंस में वो सब काम कर रहे होते हैं, नॉट दैट सपोर्टिंग इट, बट वो मीडियम ही अब ऐसा बन गया है कि वक्त की इतनी कमी होती है कि कई बार कुछ भी, हमारी लैंग्वेज में कुछ भी छप जाता है. मुझे तो पसंद है आप मेकअप करके साड़ी भी सोते. मुझे तो पसंद है. पर अब ओटीटी में क्या हो जाता है कि कुछ भी हो जाए कोशिश ये होती है कि छपे ना. हम वेरी वेल सेड. आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ग्रोइंग अप डू यू ऑल रिमेम्बर आपकी फेवरेट कौन से शोज होते थे जो आप देखते थे एंड दैट हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरी अटैच्ड टू इट? सारा भाई वर्सेस सारा भाई. वी ग्रो अप ऑन डिफरेंट डेकेड्स ना. नहीं, और पुराने वाले भी है. आई ड्रीम ऑफ जीनी भी एक होता था, वो ट्रांसलेटेड होता था हिंदी में, अंग्रेजी शो था. ऐसे भी है. फिर फ्रेंड्स तो मैंने बहुत लेटर स्टेज में देखा एक्चुअली जिंदगी में, तब हमें अंग्रेजी समझ नहीं आती थी बचपन में, ज्यादा देखते ही नहीं थे घर में, तो मैंने अब जाके देखा है फ्रेंड्स. एजाज, व्हाट हम लोग
मराठी प्रोग्राम्स आते थे, चिमनराव गुंड्या भाव, सोपी गेलेला जागा झाला, मेट्रो टू पर आते थे. फिर एक गोविंद नेनाली जी का शो था, राइट्स पर बना था, मुझे याद नहीं है नाम क्या है. व्हाट अ ब्रिलियंट शो. एंड देन देयर वाज वन शो जो लेफ्ट अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी, प्रोजेक्ट टाइगर आई थिंक. नसीर साहब एक्सप्लेन करते थे हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द टाइगर सो दैट उनकी उनकी जो खुराक है उसे बचाया जाए, उनके खुराक के लिए जंगलों को बचाया जाए और जंगलों से कैसे माउंटेन्स और रिवर्स को बचाया जाए. सो दैट लेफ्ट अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी प्रोजेक्ट आई. आई एम रियली ग्लैड दैट जैसे आपने कहा कि अपॉइंटमेंट व्यू इज द टर्म राइट, अपॉइंटमेंट व्यूइंग, अपॉइंटमेंट व्यूइंग के जरिए हम ये शो देखने वाले हैं. बिकॉज दीज आर सर्टन वेज दैट यू नो फैमिली कम्स टुगेदर टू सिट, टेक एन अपॉइंटमेंट विद ईच अदर एंड वॉच अ शो लाइक दिस. सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, आई लव द कास्टिंग, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो. सो ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा. हाय, मैं हूँ इजाज खान. हाय, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया. और आप हमें देख रहे हैं ऑन बॉलीवुड हंगामा विद अरमिन.